खनिया थाना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुड़ा निवासी एक छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला आज घटित हुआ। इसकी सूचना मिलते ही खनिया थाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए खनिया थाना बस स्टैंड से युवक व युवती को अभिरक्षा मिल गया। जैसे इस घटना की सूचना हिंदू संगठनों को मिली तो तुरंत ही सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता खनिया थाना थाने पहुंचे। आरोपी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। खनिया थाना थाने पर कोई भी महिला पुलिसकर्मी न होने की वजह से पीड़ित छात्रा के बयान नहीं हो पा रहे थे। थाना प्रभारी खनिया थाना तीमेश छारी के द्वारा इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी को दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तुरंत करैरा थाने में पदस्थ जूली तोमर को खनिया थाना पहुंचकर युवती के बयान लेने के लिए निर्देशित किया गया। जूली तोमर के द्वारा बयान लेने के बाद आरोपी पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस की कार्यवाही जारी है। आज खनिया थाना में एक लव जिहाद का मामला आया है, इसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने क्या कार्रवाई की है अभी तक और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सुबह 9 बजे की घटना है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि ऐसा एक लड़की को ले जा रहे हैं विधर्मी लोग, तो उन्होंने पीछा किया। वो लड़की यहाँ थाने आई, उनके उसके अभिभावक लोग आए यहाँ पर, तो सुबह उनने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, रिपोर्ट कराने के लिए आए। जैसे वो आए तो यहाँ उस समय कोई महिला आरक्षक है नहीं है, तो इस कारण थोड़ा लेट लतीफी भी हुई। लेकिन TI साहब ने उसके बाद जो है अभी मुकदमा दर्ज किया है, उसमें मुझे भी सूचना 2 बजे प्राप्त हुई तो मैं भी चला आया, तो केस दर्ज हो गया है। लव जिहाद का मामला बनता है और निश्चित रूप से खनिया थाना क्षेत्र में इस कतिपय घटनाएं की जा रही हैं आए दिन। पूर्व में भी एक आदिवासी लड़की का अपहरण किया गया था और उस लड़की को भी भगाया उनने, और अभी उसी के परिवार जनों ने ये दूसरा कांड किया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुओं का सुरक्षित रहना मुश्किल है, हमें भी विचार करना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को इस प्रकार की यदि ये घटनाएं करेंगे तो हम भी अब पीछे नहीं रहेंगे, और हम शासन से मांग रखते हैं कि इन लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, और नहीं करेंगे तो हम बड़ा एक आंदोलन छेड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे संगठन में ऊपर। भाई साहब, नगर में और भी कई ऐसे कोचिंग संस्थान और विद्यालय हैं जहाँ पे भी असामाजिक तत्व जाकर वहाँ पे लड़कियों को परेशान करते हैं, तो इसके बारे में कोई कदम उठाएगा विश्व हिंदू परिषद? विश्व हिंदू परिषद का इसमें निश्चित रूप से कदम उठाया जा रहा है। पूर्व में भी लव जिहाद का जो है ऐसे केस पिछोर क्षेत्र में और खनिया थाना क्षेत्र में आए दिन हो रहे हैं, तो उसमें एक कार्यक्रम चलाया था कि पालकों को जागृत करना, क्योंकि ये हिंदू समाज एक संगठन का नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज का कार्यक्रम है, और उसमें संपूर्ण हिंदू समाज अब तक जागरूक नहीं होगा। जो हमारी लड़कियां गांव से पढ़ने आती है, तो हम लोगों को हिंदू भाइयों को भी ये नज़र रखना पड़ेगी, ये परिवार के जनों को ये नज़र रखना पड़ेगी कि लड़की हमारी कहाँ जा रही है, किसके पास बैठ रही है, क्योंकि विधर्मी लोगों का तो केवल एक ये टारगेट रहता है कि हमको तो जो है लव जिहाद करके किसी भी प्रकार से लड़की को बहला फुसला कर लेके जाना है, जो प्रयास रहता है। तो उसमें एक जागरूकता चलाई जा रही है कोचिंग संस्थानों पर भी संगठन की ओर से और बजरंग दल की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और सबसे संपर्क किया जाएगा। पालकों से भी संपर्क पूर्व में हमने किया था, गांव-गांव जाकर हमने संपर्क किया कि आपकी लड़कियां नगर के अंदर पढ़ने जाती हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए बहनों की, भाइयों की, हमारे भाई बहन कहाँ जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, किसके साथ उठना बैठना हो रहा है, तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अनुसूचित जाति समुदाय की है, तो उसकी कल गुमशुदगी हुई थी 4 तारीख में, आज उसकी दस्तयाबी हुई है, तो उसने दस्तयाबी में अपने बयान बताए हैं कि दूसरे समुदाय विशेष का एक व्यक्ति है आरोपी, वो उसको ले गया था परसों, वो डॉक्टर को दिखाने आई थी तो बहला फुसला कर ले गया, उसके साथ कई बार बलात्कार किया है, तो उसकी जो जाँच गुमशुदगी पे से हुई थी तो उसके बाद अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी गिरफ्तार हो गया? आरोपी अभी गिरफ्तार करेंगे इसको, अभी रक्षा में ले लिया है पुलिस ने।